अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम सफ़र में हैं लेकिन कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसी आईं जिसकी वजह से मैंने सोचा एक वीडियो एक अपलोड कर दी जाए। ओबेसिटी से रिलेटेड ही, मोटापे से रिलेटेड ही, कि कैसे आप एक दिन में 10 किलो अपना वज़न कम कर सकते हैं, एक महीने में 30 किलो 40 किलो अपना वज़न कम कर सकते हैं। ये एक बुलशिट है, एक बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। ना आपने एक माह के अंदर या एक हफ़्ते के अंदर अपना वज़न इतना ज़्यादा बढ़ाया है तो एक महीने के अंदर आपका वज़न कम नहीं हो सकता। तो जो लोग ऐसा आपको बताते हैं वीडियोस के अंदर, अब वो यकीनन आपकी सेहत के साथ खेलते हैं। आप ये सोचें कि आपका स्टेक के ऊपर आपकी लाइफ लगी हुई है, तो आप इस किस्म की चीज़ों से अवॉइड करें। एक माह के अंदर या एक हफ़्ते के अंदर स्लिम एंड स्मार्ट होना अपने साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है, तो इस दुश्मनी से अपने आप को बचाएं। मुझे लोग कहते हैं कि लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उसमें ऐसे टिप्स देते हैं, ऐसी मेडिसिन बताते हैं, ऐसे शेक्स बताते हैं, जूसेस बताते हैं, जिससे बंदा एक हफ़्ते में स्लिम एंड स्मार्ट हो सकता है। नहीं हो सकता, ये एक बकवास है और ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। इसलिए आप इस किस्म की टिप्स से, इस किस्म की वीडियोस से अवॉइड करें, अपने आप को बचाएं, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। तो अगर आपने इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की तो आप किसी बड़े नुकसान का शिकार भी हो सकते हैं। तो बस मैं ये शॉर्ट पैगाम देना था, इतनी सी ही बात करनी थी आप लोगों से। वैसे मेरी ओबेसिटी के ऊपर एक सीरीज़ है जिसमें 3 वीडियोस हैं, जिसमें फर्स्ट के अंदर हमने उन कॉजेज को डिस्कस किया है जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और दूसरी एपिसोड के अंदर हमने कुछ हेल्थ टिप्स का जिक्र किया है, कुछ फिज़िकल वर्कआउट का जिक्र किया है, और साथ में कुछ वो ख़तरा जो ओबेसिटी की वजह से हो जाते हैं हमने उसका जिक्र किया है, और थर्ड एपिसोड में हमने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह बताए हैं कि जिसकी वजह से बंदा मोटापे का शिकार हो जाता है। तो इसलिए आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखें। आज मुझे एक मैसेज आया, एक कॉल आई जिसमें उन्होंने मुझे से इस किस्म की एक अनोखे लाडले वाली फरमाइश की थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ उसको डिस्कस करूँ। मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इजाज़त दीजिए। आप सब हजरात का वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।